नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। गांधीनगर लोकसभा सीट देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक है। एक समय यह सीट कांग्रेस का गढ़ बनकर उभरी थी, लेकिन 1989 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेता शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस की उम्मीदवार कोकिला व्यास को हराकर यहां से पहली बार कमल खिलाया था। इसके बाद गुजरात में गांधीनगर लोकसभा सीट बीजेपी की शक्ति का राष्ट्रीय केंद्र बन गई। यहां से कई हाई प्रोफाइल हस्तियां चुनाव लड़ चुकी हैं। मौजूदा वक्त में गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर सीट से ही सांसद हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की इस एम सीट पर हमेशा नजरें रहती हैं। बीते 7 चुनावों में पार्टी यहां से लगातार जीत रही है। 35 सालों में ये सीट बीजेपी का सबसे मजबूत किला बन गई है। बीजेपी के कई दिग्गज इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले चुनाव में अमित शाह ने यहां पर बड़ी जीत दर्ज की थी। गांधीनगर सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है, इस सीट पर कब किसे जीत मिली, कौन कौन से दिग्गज यहां से लोकसभा पहुंचे, मौजूदा सियासी समीकरण क्या कहता है, देखिए इस पर हमारी खास पेशकश। गुजरात का गांधीनगर बीजेपी का सर। गांधीनगर में बीजेपी का प्रभाव। चौबीस में हैट्रिक की चाह। जहां शाह वहां राह। वीआईपी सीट शाह उम्मीदवार। आपकी बार मिशन 400 पार। सियासत का शहंशाह। इंडी की बंद राह। तीन दशक से जनता का साथ। शाह के सामने सोनल, कांग्रेस में कितना बल। एक तरफा जीत की उम्मीद। बीजेपी का अभेद्य किला। चौबीस में शाह की हुंकार, नतीजों से आर पार। गुजरात में पहली बार 1967 में चुनाव हुए थे। उस वक्त यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। 1971 में वही कांग्रेसी प्रत्याशी दोबारा सांसद चुने गए थे। 1984 तक कांग्रेस इस सीट पर सिर्फ एक बार ही हारी थी। 1989 में ये सीट पहली बार बीजेपी के खाते में गई और फिर कभी बीजेपी ने कांग्रेस को यहां पर वापसी नहीं करने दी। कांग्रेस से ये सीट छीनने वाले भाजपाई क्षत्रप थे शंकर सिंह वाघेला। इसके बाद ये सीट आजवाणी की परंपरागत सीट बन गई थी। 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 में लगातार 5 बार बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने यहां से जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी नेता अमित शाह यहां से लड़े और फिर जीत हासिल की। यहां से बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने अपनी नेता सोनल पटेल पर दांव लगाया है। गांधीनगर सीट का इतिहास।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर देश के सबसे सुनियोजित शहरों में शामिल है। 1 मई 1960 को जब गुजरात का गठन हुआ तब अहमदाबाद राज्य की राजधानी बनी। 5 साल बाद 2 अगस्त 1965 को एक नया शहर बसाया गया। ये शहर था गांधीनगर। यही शहर राज्य की नई राजधानी बना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद को स्थायी बनाए रखने के लिए इस शहर को ये नाम मिला। ये चंडीगढ़ के बाद देश का ऐसा दूसरा शहर है जिसे बहुत ही प्लान्ड वे में बसाया गया है। यहाँ का अक्षरधाम मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शुमार है। इसके अलावा यहाँ दबुधा, राधेजा, अदलज समेत कई प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी हैं। गांधीनगर सीट का सियासी समीकरण। राजनीतिक तौर पर बात करें तो इस सीट पर पूरे देश की नजर रहती है। वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से सांसद हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट बीजेपी का अभेद्य किला रही है। यहाँ से कई हाई प्रोफाइल हस्तियां चुनाव लड़ चुकी हैं। पहले लालकृष्ण आडवाणी और अब अमित शाह ने इस भरोसे को बहुत मजबूत बना दिया है। बीते 7 चुनाव में बीजेपी यहाँ लगातार जीतती आ रही है। 35 सालों में ये सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट बन गई है। 1967 के चुनाव में गांधीनगर सीट अस्तित्व में आई। 1965 में गांधीनगर जिला बना और 1967 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। उस वक्त ये सुरक्षित सीट थी। तब यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की और पार्टी की तरफ से उतरे एसएम सोलंकी सांसद बने। सोलंकी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार केयू परमार को बड़े वोटों के अंतर से हरा दिया था। 1971 के लोकसभा चुनाव में भी एसएम सोलंकी को ही जीत मिली। इस बार सोलंकी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। एसएम सोलंकी ने इंदिरा गांधी के धड़े वाली कांग्रेस के नरसिंह भाई करसन भाई मकवाना को करीबी मुकाबले में हराया था। आपातकाल के बाद कांग्रेस हार गई सीट। आपातकाल के बाद 1977 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो देश की ज्यादातर सीटों की तरह गांधीनगर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस को हार मिली। उस चुनाव में भारतीय लोक दल के पुरुषोत्तम के गणेश मावलंकर ने कांग्रेस के उम्मीदवार गोविंद भाई पटेल को करारी शिकस्त दी थी। 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गांधीनगर लोकसभा सीट पर फिर वापसी की। इस चुनाव में कांग्रेस के अमृत मोहन लाल पटेल ने जनता पार्टी के पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर को बड़े मार्जिन से हरा दिया था। इसके बाद 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस गांधीनगर सीट को बरकरार रखने में कामयाब रही। इस बार यहां से जीआई पटेल ने जनता पार्टी के इंदु भाई चतुर भाई पटेल को बड़े वोटों के अंतर से हराया। गांधीनगर सीट पर कांग्रेस की यह आखिरी जीत थी। तब से लेकर आज तक कांग्रेस गांधीनगर सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। और फिर आया 1989 का चुनाव। गांधीनगर की हवा बदल चुकी थी। कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट अब भगवा रंग में रंगने को तैयार थी। और ये पहला चुनाव था जब गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी को जीत मिली। पार्टी के उम्मीदवार शंकर सिंह वाघेला ने यहां बीजेपी की जीत का खाता खोला। उन्होंने कांग्रेस की कोकिला व्यास को बड़े मार्जिन से हराया। वाघेला बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने। आडवाणी की गांधीनगर में एंट्री। जिस दौर में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, लालकृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा लेकर निकले। यात्रा बिहार के आगे नहीं जा सकी। आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के बीच आडवाणी राम मंदिर आंदोलन का बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद देश की सत्ता बदल गई। वीपी सिंह की सरकार गिर गई। चंद्रशेखर नए प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी लंबी नहीं चली। 1991 में लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में गांधीनगर सीट देश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो गई। इसका कारण लालकृष्ण आडवाणी बने। आडवाणी गांधीनगर सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जीआई पटेल को बड़े अंतर से हरा दिया। सबसे चर्चित सीटों में शामिल। 1991 से अब तक जितने आम चुनाव हुए हैं, हर बार गांधीनगर सीट देश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल रही है। 1991 में गांधीनगर सीट पर लालकृष्ण आडवाणी जीते तो अगले चुनाव में यहां से बीजेपी के उस वक्त के सबसे बड़े चेहरे अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव मैदान में उतरे। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी यहां बीजेपी के टिकट पर विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार पोपट लाल वी पटेल को बड़े वोटों के अंतर से हराया। अटल बिहारी वाजपेयी गांधीनगर के साथ ही लखनऊ लोकसभा सीट से भी जीते थे। नतीजा आने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार महज 13 दिनों में ही गिर गई। इसके बाद उन्होंने सांसद के रूप में लखनऊ सीट का प्रतिनिधित्व जारी रखा और गांधीनगर सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद गांधीनगर सीट के लिए उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने इस सीट को जीतने के लिए कई बार जोर लगाया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। गांधीनगर लोकसभा सीट के साथ एक और रोचक पहलू जुड़ा हुआ है।
यहां पर बीजेपी के दोनों शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जीत कर लोकसभा पहुंचे। 1996 के चुनाव में अटल बिहारी विजयी हुए, लेकिन जब उन्होंने इसी सीट को खाली किया तो कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए बॉलीवुड के सुपरस्टार रह चुके काका यानी राजेश खन्ना को उतार कर सभी को चौंका दिया था। लेकिन काका को भी परास्त करके विजय पटेल ने गांधीनगर सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रखा। कांग्रेस ने क्यों खेला काका का दांव? 1996 के चुनाव में बीजेपी ने गांधीनगर की सीट से काफी बड़े मतों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस इस सीट पर बीजेपी को झटका देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त कोई कद्दावर नेता नहीं था जो भगवा दुर्ग बनी इस सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेता राजेश खन्ना कांग्रेस की पहली च्वाइस इसलिए थे क्योंकि लोगों में उनकी लोकप्रियता थी और वो रिश्ते में गुजरात के दामाद भी थे। डिंपल कपाड़िया से शादी के चलते उनका गुजरात से अलग रिश्ता माना जाता था। जब बीजेपी ने विजय पटेल, जिनकी उस समय उम्र 36 थी, को टिकट दिया तो कांग्रेस को लगा कि नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। नए चेहरे का खेला दांव। बॉलीवुड के सुपरस्टार रह चुके काका के मैदान में उतरने से गांधीनगर लोकसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया। बीजेपी के सामने चुनौती थी कि वो अब अटल बिहारी वाजपेयी के स्थान पर किसको मौका दे। पार्टी ने मंथन के बाद गुजरात के दिग्गज नेता रहे हरीशचंद्र पटेल के बेटे विजय पटेल को मैदान में उतारा। इस चुनाव में दोनों पार्टियों को कड़ी आजमाइश के दौर से गुजरना पड़ा। बीजेपी को जहां अपने वोट बैंक और हरीशचंद्र पटेल की छवि पर भरोसा था, तो वहीं कांग्रेस को फिल्मी जादू की उम्मीद थी। उपचुनाव होते हुए भी गांधीनगर लोकसभा चुनाव काफी अहम हो गया और देश भर की नजरें यहां हो रहे चुनावी मुकाबले पर गड़ गई। विजय को ही मिली जीत। गांधीनगर लोकसभा उपचुनाव का नतीजा आया था तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 36 साल के विजय पटेल ने बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना, जो काका के तौर पर लोगों के दिलों पर राज करते थे, उन्हें चुनावी मुकाबले में चारों खाने चित कर दिया। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस की कुछ स्ट्रैटेजी काम भी आई, लेकिन वो हार को जीत में नहीं बदल पाई। राजेश खन्ना को 1,97,425 वोट मिले, जो कि 40.17% थे। आम चुनाव के मुकाबले कांग्रेस के वोट शेयर में 12.54% की बढ़ोतरी दिखी। इसके बाद 2019 तक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कभी इतने प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर पाई। 1998 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनावी रण में उतरे। अब की बार आडवाणी के सामने कांग्रेस से पी के दत्ता थे। चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी फिर गांधीनगर सीट को बरकरार रखने में कामयाब रही। आडवाणी ने कांग्रेस उम्मीदवार को भारी मतों से हरा दिया। कांग्रेस ने टीएन शेषन को उतारा। महज एक साल बाद फिर से चुनाव हुए। इस चुनाव में भी गांधीनगर सीट से लाल कृष्ण आडवाणी मैदान में थे। इस बार उनके मुकाबले में एक बहुत ही चर्चित चेहरा था। कांग्रेस ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को यहां से आडवाणी के मुकाबले उतार दिया। टीएन शेषन को 1990 के दशक में हुए चुनाव सुधारों का श्रेय दिया जाता है। जब गांधीनगर सीट पर चुनावी मुकाबला हुआ तो शेषन को हार का सामना करना पड़ा। आडवाणी ने तीसरी बार गांधीनगर सीट पर जीत दर्ज की। 2004 में आडवाणी ने कांग्रेस के गबाजी मंगाजी ठाकुर को बड़े वोटों के अंतर से हराया, तो 2009 में आडवाणी ने कांग्रेस के सुरेश पटेल को भारी वोटों से मात दी। 2009 में आडवाणी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे। हालांकि पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली और आडवाणी पीएम इन वेटिंग ही रह गए। 2014 तक आडवाणी का रहा दबदबा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में भी गांधीनगर सीट से लाल कृष्ण आडवाणी मैदान में उतरे। उन्होंने कांग्रेस के किरीट भाई ईश्वर भाई पटेल को 483,121 मतों के विशाल अंतर से शिकस्त दी। 2019 में अमित शाह के नाम रही सीट। पिछले चुनाव में गांधीनगर सीट पर भाजपा ने उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को टिकट दिया। अमित शाह के लिए गांधीनगर पहले से सियासी रूप से काफी पहचानी हुई जगह थी। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जब जब गांधीनगर लोकसभा से चुनाव लड़े तो उनके चुनाव प्रबंधन का दायित्व अमित शाह ने ही संभाला था। आडवाणी के लोकसभा चुनाव के प्रबंधन का यह दायित्व उन्होंने 2009 में संभाला। 2019 में शाह ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। 1997 से 2017 तक गुजरात के विधायक रहे अमित शाह ने 2019 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव नतीजे आए तो शाह को गांधीनगर से प्रचंड जीत मिली। लगभग 69.58% वोट हासिल करने वाले अमित शाह ये चुनाव 5,57,014 वोटों के अंतर से जीते। दूसरे नंबर पर कांग्रेस से डॉक्टर सीजे छावड़ा रहे। 2019 में दोबारा सत्ता में लौटी बीजेपी सरकार में अमित शाह गृह मंत्री बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2021 में जब सहकारिता मंत्रालय का गठन किया तो अमित शाह को सहकारिता मंत्री का दायित्व भी मिला।
फिर से भगवा लहराने का जिम्मा। इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने गांधीनगर सीट से अमित शाह को टिकट दिया है। शाह के ऊपर गांधीनगर सीट पर एक बार फिर भगवा लहराने का जिम्मा है। कांग्रेस ने सोनल पटेल पर दांव लगाया है। गांधीनगर लोकसभा सीट के मौजूदा समीकरण को देखें तो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहां से बीजेपी के विजय रथ को रोकना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है, जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया। राजनीतिक समीकरण। अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो इस जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सभी पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ही अव्वल रही थी। यहां गांधीनगर उत्तर, कलोल, सनानंद, घडलोडिया, नारनपुरा, बीजापुर और साबरमती की सीटें आती हैं। आबादी की बात करें तो यहां की आबादी 19,45,772 है। इनमें ज्यादातर आबादी शहरों में ही निवास करती है। जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो यहां सिर्फ 1% लोग एसटी वर्ग के हैं, वहीं एससी की आबादी 11% है। बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली गुजरात की गांधीनगर सीट अब देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम से पूरी तरह जुड़ चुकी है। वर्ष 2019 के चुनाव में उन्होंने इस सीट से जबरदस्त मतों से जीत का कीर्तिमान बनाया था। इसके लिए उन्हें गांधीनगर में बार बार जाकर प्रचार की जरूरत भी नहीं पड़ी। इस बार भी नामांकन के बाद शाह का गांधीनगर में दोबारा प्रचार का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है। इस सीट पर अब केवल जीत हार के अंतर की चर्चा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस बार भी लड़ाई जीत का अंतर बढ़ाने की है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।